ये फिल्म का कास्टिंग बहुत टफ था, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स जो थे वो कास्टिंग में बहुत हमारा डिस्कशन हुआ, बहुत इसके ऊपर काम किया हमने। रितु जी का जो कैरेक्टर है उसके लिए एक्चुअली हमने बहुत से यहाँ के हमारे लोगों का शॉर्टलिस्ट किया था, एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मेरे जो टेक्निकल टीम है, मेरे राइटर्स असिस्टेंट सब मिलकर हमने डिसाइड किया कि रितु ही बेस्ट पोर्ट्रे कर सकेगी ये कैरेक्टर, तो इसलिए रितु का कास्टिंग हुआ। उसके बाद रघुवीर जी जो आए, आपने सुना ही होगा कि रघुवीर जी फर्स्ट टाइम एक अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, और इसमें सरप्राइज एलिमेंट ये भी है कि आपको पता होगा कि जानबूझ के किया नहीं है, पर इसमें जो जितने आर्टिस्ट हैं वो हर एक मीन स्टेट के अलग अलग स्टेट से हैं। जैसे कि इसमें वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज प्लेड बाय सुब्बा राजू जो कि साउथ के हैं, देन और एक कैरेक्टर जो प्ले किया है वो है आजीज नाजिर करके जो भी हैदराबाद से है, देन हर्ष यहाँ से है, रितु जी बंगाल से है, देन एक बिनी शर्मा है पंजाब, ऐसे अलग अलग प्रांत के ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट यहाँ पे इकट्ठा है ये फिल्म में। मुझे लगता है मैं जानबूझ के नहीं, आकाश जो है एक्चुअली दिल्ली से है, बेस्ड इन नाउ बॉम्बे, तो अलग अलग लोग यहाँ पे इकट्ठा है ये फिल्म में, और आपको कास्ट बहुत अच्छी हो गई है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, म्यूज़िक में रेगुलर जो म्यूज़िक रहता है उस हिसाब से नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक फिल्म में रिफॉर्मेशन जो वर्क जो चलता है वो थ्रू आर्ट प्रोग्राम है, तो उसमें एक नृत्य नाटिका है, नृत्य नाटिका जो है वो 7 मिनट की है, और पूरा जो स्टोरी है नाटक का वो 7 मिनट में करेक्ट कंप्लीट करना था, और वो बहुत टफ था, तो इसलिए वो नाटक में आपको हर मूड मीन्स वेरियस मूड्स है, तो वो कंपोज करते समय म्यूजिक डायरेक्टर को भी बहुत चैलेंजिंग था। एज ए डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मीन्स फिल्म बहुत अच्छी बनी है और एंटरटेनिंग है और लोगों को बहुत पसंद है। डॉक्टर किरण बेदी तो इंटरेस्टेड है, जहाँ भी जाए प्रमोशन के लिए वो आने को रेडी है, पर उनका शेड्यूल इतना टाइट है कि वो आ नहीं सकती, शायद आ भी सके कि मालूम नहीं, पर अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेंटर बोल दो, मैडम सेंटर। हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसीलिए कि हमारी हर पिक्चर के लिए मैं एक्साइटेड होती हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बेहतरीन पिक्चर है, और सबको अच्छा लगेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, मीनिंगफुल है, बहुत ही लोडेड सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर किसी के दिल को कुछ ना कुछ तो होगा इस फिल्म को देख के। मेरा किरदार का नाम है ज्योत्सना, एक लड़की है जो एक बहुत ही अनोखी स्ट्रगल से गुजरती है, और जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होते हैं एक एक करके इनका पन्ना खुलता है कि क्या क्या हुई इसकी ज़िंदगी में, और एक जेल में भी एक रिफॉर्मेशन की प्रोग्राम में वो आती है। आप लोग इतना ऐसा करेंगे तो मैं कैसे बोलूँगी, इधर आ जाओ ना। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिल्म बनाने के लिए, और मैं राइटर को भी बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये कहानी को लिखा। इट्स अ वेरी ये एक ऐसी कहानी है जिसमें थ्रिलर एलिमेंट भी है, एक सस्पेंस भी है, एक जेल रिफॉर्मेशन का प्रोग्राम भी है, मतलब सब कुछ है इस फिल्म में जो एक अच्छी फिल्म में होना चाहिए। और दिनेश जी जिन्होंने डायरेक्ट किया ये फिल्म, इज़ अ मराठी डायरेक्टर, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे मराठी पिक्चर्स काफ़ी कर चुके हैं,
तो ये इनका पहला हिंदी वेंचर है. मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से ये सब्जेक्ट को समझा, क्योंकि ये सब्जेक्ट समझने में भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग माइंड रहना चाहिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि आम सब्जेक्ट नहीं है. इसमें बहुत सारे लोगों के माइंड को लेके फिल्म बनाया गया है, और जेल में जो जेल मैं नहीं बोलूँगी, अभी जेल को करेक्शनल होम कहते हैं, और करेक्शनल होम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या किसी किस 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 का सहयोग लेना पड़ता है एक जेल के अंदर, वो दिखाया गया है. और मैं भी एक पार्ट हूँ उसमें, जहाँ मैं आती हूँ एक NGO के तरफ से, और मैं जेल के जेल में सुधार करने की कोशिश करती हूँ थ्रू म्यूज़िक, डांस एंड एंटरटेनमेंट. और इसमें एक मनचाहिदा स्टोरी भी है. ऐसा नहीं है कि इस सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन है जेल रिफॉर्मेशन की, लेकिन इसमें एक मनचाहिदा स्टोरी भी है, जिसमें ये लड़की की एक बहुत लंबी एक जर्नी दिखाते हैं, जिसमें इसका हस्बैंड चाइल्ड, और कैसे बाद में जेल में आके उसका होल लाइफ रिवाइंड होती है, और हम देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था एक्चुअली की जिंदगी में. हाँ, किरण जी बहुत उत्साहित हुआ ये फिल्म देख के, और मुझे लगता है कि ऐसा एक हस्ती जो इन्होंने जेल के ऊपर इतना सारा काम किया, एक जेल को करेक्शनल होम बनाया उन्होंने, इतना रिफॉर्मेशंस किया, तो उनका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है. और शी वाज एब्सोल्युटली यू नो शी फेल्ट सो गुड रिगार्डिंग सीइंग द फिल्म. और मुझे लगता है कि उनकी जो एक्सप्रेशंस थी फिल्म देख के, वो देखने के लायक था. और उन्होंने ऐसा भी बोला कि ये फिल्म हर किसी को देखना चाहिए, इस फिल्म को हर कोई महसूस करे. और इस फिल्म को उन्होंने प्रपोज भी किया जेल में दिखाने के लिए भी, तो बहुत सारा अच्छा कमेंट्स उन्होंने दिया है. और ये कमेंट्स सिर्फ दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में भी वो आई, और कलकत्ता में भी प्रेस को ये सब उन्होंने बोला. तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी एक इम्पोर्टेंट हस्ती इस फिल्म से जुड़ते हैं, तो ये फिल्म का भी बहुत ही एक अच्छा एस्पेक्ट हो गया. और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रसाद जी, और हमारी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट है, रघुवीर यादव जी है, प्रियांशु है, हर्ष छाया है, सुब्बा राव है, बहुत सारे महेश आनी जी है सिनेमाटोग्राफर, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम भी है जिन्होंने काम किया इस फिल्म के लिए. और एक नया हम लोग की म्यूज़िक डायरेक्टर है, जो म्यूज़िक इतना ज़्यादा गाना नहीं है, लेकिन एक जो संगीत और जिसका जो ज़रूरत था, वो बहुत अच्छी तरह से निभाया गया है. जेल में एक्चुअली जेल का एक्चुअली ऑलरेडी मैं एक फिल्म कर चुकी थी कलकत्ता में, वो बहुत ही बड़ी हिट हुई लास्ट ईयर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी देखे हैं वो पिक्चर मुक्तधारा, लेकिन उसके साथ इस फिल्म का कोई मतलब सादृश्य नहीं है, इट्स अ डिफरेंट फिल्म. और जेल में जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम गोवा में असली जेल में शूट कर चुके हैं, और हमारी प्रोड्यूसर उसका परमिशन भी लिया था. और मुझे लगा कि जेल में जाके तो थोड़ा बहुत एक डिफरेंट फीलिंग होता ही है, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करके सबके साथ मिलते हैं, सबको जानते हैं, प्रिजनर्स के साथ, प्रिजन IG के साथ, तो एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है. और अब हम भी धीरे धीरे से उनसे मतलब उसमें घुसते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है. वो अगर हम उधर नहीं जाके वो हम बोल नहीं सकते, बट आई हैव ऑलरेडी गॉन एंड लुक फिल्म भी किया, तो हमारी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. और हमारी अगली जो फिल्म है वो भी थोड़ा बहुत जेल के ऊपर ही है, आर्टिकल 161 के ऊपर, जो हम सितंबर से शूट करेंगे, तो उसमें भी एक पार्डन की स्टोरी है. तो हाँ, नो नो नो, ये बंगाली डायरेक्टर है अग्निदेव चैटर्जी, लेकिन इट्स अ हिंदी फिल्म. तो इसमें मैं हूँ, न्यू कमर करण मलिक है, फिर अतुल कुलकर्णी है, बहुत सारे लोग हैं. लास्ट क्वेश्चन,
मैं जब पहली बार स्क्रीन प्ले की मुझे बहुत अच्छा लगा. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मुझे एहसास हुआ. और मैं तब लंदन में थी, मेरा एक शो के लिए मैं गई थी. तब दिनेश जी का फ़ोन आया था, मैं अभी भी याद है. तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिए आपको फ़ोन किया. तो मैंने बोला ठीक है, मैं वापस आके आपको फ़ोन करती हूँ. तो वापस आके मैंने जब फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप एक बार सब्जेक्ट सुन लीजिए. तो मैंने बोला हाँ ठीक है. तो सब्जेक्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है. और मुझे थोड़ा सा एक दो जगह मुझे मतलब हम लोग थोड़ा डिस्कशन किया कि ये ऐसा हो सकता है कि वैसा हो सकता है. लेकिन उन्होंने बोला कि जैसा भी हो सकेंगे लेकिन यू हैव टू डू द फिल्म, क्योंकि दिस इज़ अ पावरफुल रोल और इट्स वुमन ओरिएंटेड फिल्म. तो मुझे लगा कि मैं वुमन ओरिएंटेड फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ. बंगाल में तो बहुत सारे कर चुकी हैं. मेरा लास्ट फिल्म भी सुपर हिट है अलिक शू, उसके पहले मिसेस सैन. तो ये भी एक वुमन ओरिएंटेशन है जिसमें हम लोग कुछ एक हमारी काबिलियत दिखा सकते हैं और एक सब्जेक्ट को हम नरेट कर सकते हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. तो इसीलिए ये कालापोर विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. हाँ.